मॉर्निंग स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ईएमवी चैप्टर नंबर 11 फूड एंड हेल्थ। प्रीवियस पीरियड में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी किया था कि देयर आर फाइव न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर देयर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट। तो हमारे फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होने ही चाहिए। ओके, अलग अलग फूड आइटम में से ये न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं, वो भी हमने स्टडी किया था कि कौन से फूड में से हमें क्या मिलता है और हमें कैसा फूड खाना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट मतलब अ फूड विच कंटेन ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रपोर्शन। जरूरी मात्रा में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फूड बैलेंस्ड डाइट है। उसके बाद हमने अलग अलग फूड के बारे में स्टडी किया था कि एनर्जी गिविंग फूड, ऐसा फूड जो खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी आती है। तो शुगर है, उसमें हमने क्या क्या इंक्लूड किया था, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट वाला फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है। फैट से क्या है, हमारा बॉडी थोड़ा फैटी हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ऐसा नहीं कि बहुत ही फैटी हो जाना है, पर एकदम पतले पतले भी नहीं रहना है। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, जब हम बैलेंस्ड डाइट खाएंगे। अगर हम रोज़ फैटी फूड खाएंगे, रोज़ ऑयली फूड खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि फैटी और कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाओ, पर फैट और कार्बोहाइड्रेट वाले फूड में से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फिर द बॉडी बिल्डिंग फूड जिससे हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है, तो वो मिलता है प्रोटीन में से। बॉडी बिल्डिंग फूड मिलता है प्रोटीन वाले फूड में से, सारे दाल पल्सीज जिसमें फुल ऑफ प्रोटीन होता है। उसके बाद प्रोटेक्टिव फूड, मैंने कहा था प्रोटेक्शन हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होती है कि अगर कोई डिजीज के कीटाणु हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारी इम्यूनिटी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और हम वो डिजीज से बच सकते हैं। तो ऐसा तब होगा जब हम प्रोटेक्टिव फूड खा रहे हैं। तो प्रोटेक्टिव फूड में कौन सा, विटामिन एंड मिनरल्स मतलब फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें से हमें मिलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स और हमारी इम्यून सिस्टम उससे पावरफुल होती है। फिर हमने वाटर एंड रफेज के बारे में स्टडी किया था, पानी और रफेज मतलब ऐसा रेशे वाला फूड, जैसा फूड खाने से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होती है, हमारा डाइजेशन अच्छे से होता है। और वाटर के लिए तो हमें पता ही है कि हमारे बॉडी की बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक्सक्रिएशन, डाइजेशन, ये सारे प्रोसेस के लिए वाटर बहुत ही नेसेसरी है। अब बैलेंस्ड डाइट, तो वो पता चल गया कि अब फूड इन बीच ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स आर इन राइट प्रपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप जब घर में खाना खाने बैठे, आपकी प्लेट में दाल चावल सब्जी रोटी सब चार चीज़ें हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि आपका फूड बैलेंस डाइट है, क्योंकि दाल चावल सब्जी रोटी में से आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। पहले हम शुरू करें दाल, दाल में से मिलेगा हमें प्रोटीन, देखो मैं इधर लिख रही हूँ, ओके, दाल और पल्सीज। कभी कभी हम चने मग ऐसा भी खाते हैं ना, उसमें क्या होता है, फुल ऑफ प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन मिल गया दाल में से। अब रोटी, रोटी होती है वीट की, तो वीट में से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ रोटी में से मिल गया कार्बोहाइड्रेट। अब हमने रोटी के ऊपर घी लगाया, फिर दाल और सब्जी को हमने ऑयल में बनाए, मतलब ऑयल और घी हमारे फूड में इंक्लूड हो गया, तो उसमें से हमको क्या मिल गई, फैट, ऑयल एंड घी। अब रहा विटामिन एंड मिनरल्स, तो हम
वेजिटेबल खाते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ग्रीन वेजिटेबल्स में से हमको मिलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। तो ग्रीन वेजिटेबल्स ओके। तो दाल, फिर जो चावल होते हैं राइस, राइस में भी होता है कार्बोहाइड्रेट। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, घी, ऑयल, कितना मस्त हो गया बैलेंस डाइट का, पूरा आपको समझ में आ गया। तो हमारा जो इंडियन फूड है जो हर रोज हम रेगुलरली खाते हैं, कभी कभी हम वैरायटी खाते बट मोस्टली इन द मॉर्निंग हमारे घर में दाल, चावल, सब्जी, रोटी बनती है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं रोटी और राइस में से, प्रोटीन मिलता है दाल और पल्सिस में से, विटामिन और मिनरल्स हमको मिलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से, और हमें फैट मिलती है ऑयल एंड घी में से। कभी दूध पाक, खीर बनाए, मिल्क की आइटम, तो उसमें भी हमें फैट मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा अ प्लेट इन विच दाल, चावल, सब्जी एंड रोटी इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। और बैलेंस डाइट की डेफिनेशन में क्या लिखना है, डाइट विच इंक्लूड ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ओके, अब हमारा टॉपिक है अलग है विटामिन्स। अभी ये कोरोना वायरस के टाइम पर हम मल्टी विटामिन की टैबलेट्स लेते हैं हमारी इम्यून सिस्टम पावरफुल करने के लिए। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ओके, इतने तरह के विटामिन्स होते हैं। अब अगर हमारे बॉडी में कोई विटामिन कम है तो हमें उसकी डेफिशिएंसी मतलब उसकी कमी से डिजीज हो सकता है। फिर है मिनरल्स। तो हमारे बॉडी में मिनरल्स कौन से होते हैं, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन। आयरन हमें किस में से मिलता है, पालक में से, हमारा खून बढ़ता है। कैल्शियम किस में से मिलता है, कैल्शियम बनाने में से बहुत मैक्सिमम कैल्शियम मिलता है, तो कैल्शियम से हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। आयोडीन नमक सॉल्ट में से मिलता है, अगर आयोडीन की कमी हो तो गोइटर, गला स्मेल हो जाता है। ओके, कैल्शियम की कमी हो तो रिकेट, ऐसे मरियल जैसे हो जाते हैं। आयरन की कमी हो तो एनीमिया हो जाता है, खून की कमी, खून की बॉटल उनको चढ़ानी पड़ती है। तो हमारे बॉडी में ये सारे विटामिन्स राइट प्रपोर्शन में होने चाहिए, अदरवाइज वो विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें डिजीज हो सकता है। ऐसे डिजीज को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं लिख के करवा रही हूँ, मिल्क ग्रुप।
पहले दो फूड ग्रुप के बारे में हम स्टडी करते हैं, अबैलेंस्ड डाइट। ओके, तो बैलेंस डाइट में कौन कौन से फूड इंक्लूड होते हैं? तो मिल्क ग्रुप, मिल्क के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड बिकॉज ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन इट। छोटे बच्चे मिल्क ही पीते हैं तो भी वो बहुत हेल्दी, बहुत खूबसूरत, एकदम उनकी स्किन भी ग्लोरी होती है बिकॉज ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन मिल्क। दैट इज वाई मिल्क इज फॉर कंप्लीट फूड, सब कुछ मिल्क में से मिल जाता है। तो मिल्क ग्रुप मतलब क्या क्या? तो मिल्क, मिल्क, चीज, कर्ड, बटर, बटर मिल्क, आइसक्रीम, श्रीखंड, मतलब दूध या दूध में से बनी हुई सारी चीज़ें। अब ऐसे फूड में से हमें क्या मिलता है? दैट गिव यू प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स। दूध या दूध प्रोडक्ट में से हमें प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स हमको मिलते हैं। नंबर टू, प्रोटीन फूड, प्रोटीन ग्रुप। तो प्रोटीन मैंने आपको बताया ऑल टाइप ऑफ सीड्स, सारी वो जो कठोर हम खाते हैं, बीन्स, पीस, ओके, मीट, एग्स, फिश, बीन्स, नट्स, पीस, उसमें से हमको फुल ऑफ प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन हमें क्या, ये फूड में से क्या मिलता है? प्रोटीन एंड फैट, फैट भी मिलती है हमें ये फूड में से। ठीक है, अभी मतलब सारे पल्सेस में से हमें प्रोटीन मिलता है। अब सीरियल्स नंबर थ्री, गेहूँ, बाजरी, मकाई, वो सब। तो राइस, ब्रेड, चपाती, नूडल्स एक्सेट्रा। देखो राइस, राइस में से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ब्रेड व्हीट की बनती है, चपाती व्हीट की बनती है, नूडल्स मैदे की बनती है, मैदा भी वन टाइप ऑफ व्हीट की एक अलग टाइप है। तो दैट गिव यू कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स। सीरियल ग्रुप में से हमें कार्बोहाइड्रेट एंड मिन
फिर है नंबर फोर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रुप्स। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से हमें क्या मिलते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट आर रिच इन, रिच मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में, रिच इन विटामिन्स मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो हमने अब बैलेंस डाइट में फूड ग्रुप स्टडी किए। नंबर वन मिल्क ग्रुप, जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से क्या मिला था हमें? प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स। फिर सेकंड था प्रोटीन ग्रुप, नट, बीन्स, पीस, सारे पल्सिस जिसमें से हमें मिलता है प्रोटीन एंड फैट। फिर नंबर थ्री सीरियल ग्रुप, सीरियल मतलब अनाज, वीट, राइस, ज्वार, बाजरी, वो सब कॉर्न, तो वो सब के ये प्रोडक्ट बताई हुई है कि उसमें से ये सारी चीज़ें बनती हैं और उसमें से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। फिर है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रुप्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट आर रिच इन विटामिन्स मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, टेबल है एक नेम रिजल्टिंग
जितना हम समझ लेंगे तो पूरा रेसर अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर चार मेन विटामिन के नाम लिखे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। अब ये चार विटामिन हमें किस चीज़ों में से मिलते हैं, फिर वो हमारे बॉडी में क्या हेल्प करते हैं, और अगर ये विटामिन की हमारे बॉडी में कमी है तो कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है। तो नंबर वन है विटामिन ए। विटामिन ए हमें मिलता है कैरोट, मिल्क, बटर एक्सेट्रा। ओके, देखो सब में मिल्क आया है, तो मैंने भी कहा ना मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, सारे विटामिन हमें मिल्क में से मिल जाते हैं। तो विटामिन ए हमें ये सारी चीज़ों में से मिलता है। विटामिन ए से ए हमारे बॉडी में किस तरह से हेल्पफुल है, तो है टू क्लीन स्किन, बोन्स, आइस। ओके, प्रोटेक्ट आइस, है टू कीप स्किन, बोन्स एंड हेल्थी, हेल्दी। तो क्या आंखें, स्किन, बोन्स इससे हमारे हेल्दी रहते हैं। कभी बोलते हैं ना कि गाजर खाओ तो आपकी आंखें अच्छी रहेगी, स्किन ग्लो होती है, मिल्क पीना चाहिए बच्चों को एवरीडे, रोज टू ग्लास मिल्क पीना चाहिए ताकि उसको विटामिन ए फुल प्रपोर्शन में मिल जाए। अगर हमें विटामिन ए ठीक से नहीं मिल रहा है तो उसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात को जिसको दिखता नहीं है, आइस का प्रॉब्लम होता है कि जैसे जैसे अंधेरा आता है उनको दिखना कम हो जाता है। तो वैसे लोगों को, जो लोगों में विटामिन ए की कमी है, उनको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अब नंबर टू विटामिन बी। विटामिन बी मिल्क, सीरियल्स, मीट, फिश, एग्स एक्सेट्रा में से हमें विटामिन बी मिलता है, और वो क्या काम करे, प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्वस, नर्व सिस्टम, मतलब जो मैसेज हमारा बॉडी ब्रेन में देता है, ब्रेन हमारे बॉडी को जो मैसेज कन्वे होता है, मैसेज रिटर्न और गेन, तो वो मैसेज का कन्वे प्रॉपरली होता है, और हार्ट टू कीप आईज एंड स्किन हेल्दी। विटामिन बी भी आईज और स्किन हेल्दी के लिए यूजफुल है। अगर हमारे में विटामिन बी की कमी है तो हमें बेरी बेरी नाम का डिजीज हो सकता है। नाउ नंबर थ्री विटामिन सी। तो विटामिन सी हमें सारे साइट्रस फ्रूट्स में से मिलते हैं, मतलब खट्टे फ्रूट, लेमन, ऑरेंज, ग्वावा, ग्रेप्स, सारे आंवला, गूसबेरी, आंवला में बहुत विटामिन सी होता है, और विटामिन सी इसमें नहीं दिया है पर विटामिन सी इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है। तभी अभी कोरोना में सब लेमन जूस ज़्यादा पीते हैं ना, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को भी ग्रो करता है। अगर हमारे में विटामिन सी की कमी है तो हमें स्कर्वी नाम का डिजीज हो सकता है। नाउ फोर्थ नंबर विटामिन डी। विटामिन डी हमें कौन सी चीज़ों में से मिलता है, मिल्क, बटर, चीज़ और सनलाइट में से हमें विटामिन डी मिलता है। छोटे बच्चों को ऐसा कहते हैं कि सुबह के जो सॉफ्ट सनलाइट होती है उसमें थोड़े टाइम खेलने देना चाहिए, क्योंकि सनलाइट में से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम, विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी की वजह से हमारे बॉडी में कैल्शियम बनता है जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर किसी में विटामिन डी की कमी है तो उसको रिकेट, रिकेट मतलब एकदम मरियल पतला सा होता है, जिसके बॉडी का अच्छे से ग्रो नहीं हुआ होता। ओके, तो ये चार मेन विटामिन हैं जो हमें ये चीज़ों में से मिलते हैं, हमारे बॉडी में इस तरह से ये हेल्पफुल है, और ये विटामिन की कमी से हमें ये डिजीज हो सकते हैं। उसी तरह अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो, आयोडीन मिनरल्स में हम गिनते हैं, तो उससे गोइटर नाम का रोग होता है, गोइटर मतलब गला जिसका फूल जाता है। ओके, तो फिर बी ट्वेल्व की कमी होती है, तो बी ट्वेल्व की कमी से भी बोन्स टूटते हैं, जॉइंट्स में बड़ा पेन होता है। ओके,
तो आज हमने ये लेसन में क्या सारा लेसन अब हमारा कंप्लीट हो गया। न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस्ड डाइट, विटामिन्स, मिनरल्स, किसमें से क्या मिलता है, किसकी डेफिशिएंसी, कौन सा डिजीज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये लेसन 11 की एक्सरसाइज एमसीक्यू लिखेंगे। तब तक अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसको लेसन 2-3 टाइम रीड कर लो, तो ये सारे टॉपिक्स आपको इजीली लर्न हो जाएंगे।